हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अध्ययन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डू योर स्टडी वेरी वेल। सो दिस इज योर रिवीजन क्लास एंड वी विल डू रिवीजन ऑफ चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोज। नाउ स्टार्ट द वीडियो। So first of all, we will discuss about acid. So what is acid? A molecule or ion capable of donating a proton or forming a covalent bond. तो acid क्या होते हैं? Acid ऐसे molecule या ion होते हैं जो कि क्या करते हैं? Proton को donate करते हैं, यानी कि hydrogen ion को ये donate करते हैं और क्या बनाते हैं? ये covalent bond बनाते हैं। Now according to Arrhenius, तो Arrhenius ने क्या दिया definition acid का? Acids when dissolved इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो एसिड्स क्या होते हैं जो कि जब जबकि ये वाटर में जब इनको डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोटॉन देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है HCl की रिएक्शन जब वाटर से की गई है, ये इसमें डिसोसिएट हुआ है, तो क्या बनाया है इसने? इसने बनाया है यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन और इसके साथ यहाँ पर क्या बना है? ये क्लोराइड आयन बना है। तो HCl ने यहाँ पर क्या किया है? HCl ने जो है यहाँ पर वाटर को एक जो है ये प्रोटॉन जो है ये यहाँ पर जो है ये डोनेट कर दिया है। तो इस तरह से HCl क्या है यहाँ पर? ये एसिड हो गया है अकॉर्डिंग टू Arrhenius। Now what is base? A molecule or ion capable of accepting a proton. तो acid के opposite base क्या होते हैं? जो कि proton को accept करने का काम करते हैं और ये भी क्या बनाते हैं? ये भी covalent bond ही बनाते हैं। Now according to Arrhenius, तो इन्होंने क्या definition दी? So bases when dissolved in water produce hydroxide ion. तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो base होते हैं वो क्या बनाते हैं? जब इनको water में इनको dissolve किया जाता है तो ये क्या बनाते हैं? Hydroxide ion। यहाँ पर ये डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो NOH क्या है? जब यहाँ पर इसको वाटर में ये इसको डिसॉल्व किया गया है तो ये टूट गया है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, तो ये क्या है यहाँ पर? ये बेस हो गया। Now some more chemists have given their opinion about acid and bases. So one of them is Bronsted and Lowry. So according to this theory, acid is a substance which donates an hydrogen ion or a proton and form its conjugate base. तो acid क्या होते हैं? जो कि क्या donate करते हैं? Hydrogen ion या proton, जो कि अभी हमने देखा ही, इसके साथ ही ये क्या बना लेते हैं? ये conjugate अपना base बना लेते हैं। वहीं पे base क्या होते हैं? Base is a substance which accepts an हाइड्रोजन आयन और ए प्रोटॉन। तो बेस क्या होते हैं? ये प्रोटॉन जो है ये हाइड्रोजन आयन को ये एक्सेप्ट करने का काम करते हैं और क्या बना लेते हैं? कॉन्जुगेट, ये एसिड बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन, तो यहाँ पर वाटर की जो है रिएक्शन हो रही है अमोनिया के साथ में, तो वाटर यहाँ पर क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटोन को जो है डोनेट कर रहा है और क्या बना रहा है? ये कॉन्जुगेट बेस बना रहा है यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का। तो यहाँ पर वाटर क्या है? ये एसिड है। वहीं पर जो अमोनिया है वो क्या कर रहा है? ये प्रोटोन को जो है एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर? अमोनिया क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा और ये जो है अमोनियम आयन, इसका यहाँ पर ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो यही हो गया यहाँ पर Bronsted एंड Lowry के अकॉर्डिंग यहाँ पर एसिड एंड बेस की डिफिनीशन। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो एसिड कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? एनी एसिड दैट डिसोसिएट्स 100% इन टू आयन्स। तो जो भी एसिड जो होते हैं वो 100% अगर ये डिसोसिएट हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। इसके अपोजिट इफ इट डज नॉट डिसोसिएट 100% इट इज अ वीक एसिड। तो जो भी जो एसिड होते हैं वो 100% डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं उन्हें बोला जाता है वीक एसिड। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, तो इन्हें आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं ताकि आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जैसे कि अभी हमने एसिड में देखा, तो ये क्या होते हैं? बेस क्या होते हैं? एनी बेस दैट डिसोसिएट्स 100% इन टू आयन्स इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इफ इट डज नॉट डिसोसिएट 100% इट इज़ अ वीक बेस। तो यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग और वीक बेस दे रखे हैं, तो इनके भी लिस्ट आप जो है अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नाउ
now one more chemist have given his theory about acid. So this is Lewis. So according to Lewis, Lewis acid is any substance such as the hydrogen ion that can accept a pair of non-bonding electrons. तो इन्होंने यहाँ पर जो है non-bonding electrons की बात की और उन्होंने बोला कि जो acid होते हैं वो ऐसे substance होते हैं जो कि ये एक pair जो non-bonding electrons होते हैं उनको accept करने का काम करते हैं. यानी कि ये substance क्या होते हैं, ये electron pair acceptor होते हैं और इन्हें ही बोला जाता है electrophile. तो यहाँ पर कुछ example आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर Cu plus 2, Zn plus 2, Fe plus 2, Fe3 plus और इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं. तो ये सारे क्या हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्टर है और इन्हें बोला जाता है लेविस एसिड. Now Lewis base, so any substance such as the hydroxide ion that can donate a pair of electrons. तो Lewis base क्या होते हैं, जो कि एक pair electron को donate करते हैं, या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं. So Lewis base is an electron pair donator और ये क्या कहलाते हैं, इन्हें हम nucleophile कहते हैं. तो यहाँ पर कुछ example दे रखे हैं, जैसे कि ammonia है, water है, hydroxide ion है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये Lewis base हो जाते हैं. तो यहाँ पर आप reaction देख सकते हैं, तो ये जो है यहाँ पर ये electron जो acceptor है, यहाँ पर ये लेविस एसिड जो है उसी के यहाँ पर अपोजिट यहाँ पर जो है ये लेविस बेस है जो कि इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनर है. तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर और कौन सा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है. तो ये जो है ये लेविस बेस और लेविस एसिड की यहाँ पर रिएक्शन शो की गई है. तो आई होप मुझे लगता है आप लोगों के जो कंसेप्ट है एसिड और बेस के वो यहाँ पर क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट लेकर आएंगे. तब तक के लिए थैंक यू and all the best.